हेलो स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.6, 1.5 तक की एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन एक्सरसाइजों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपकी 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 6 एक्सरसाइज है, यानी कि 1.6 है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो कराया जाएगा वो रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चंस को वो देखेंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात हम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि कोई अगर आपको बड़ी वैल्यू दी गई है, क्या बड़ी वैल्यू दी गई है, जैसे मान लीजिए √3 दिया है और प्लस यहाँ पर √2 दिया है, क्या दिया है, प्लस यहाँ पर √2 दिया है, तो आप इसे सिंप्लीफाई किस तरीके से कर पाएंगे ये आप देख लीजिए। देखिए √3 और √2, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको करना ये है कि इस √3 की वैल्यू निकाल लीजिए और इस √2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसे जोड़ दीजिए तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर इसके डिनोमिनेटर में √3 -2 लगा है, क्या है, -2 लगा है, तो इस केस में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। ओके, तो देखें एक शर्त तो आपको नीचे वाली मिली जो कि आपको a-b और a+b की याद दिलाती है, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो नीचे वाले टर्म को भी कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इस केस में देखेंगे कि जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ऊपर आएगा 3 + 2 + 2√6 मिलेगा, और यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 3 - 2, यानी कि नीचे जो होगा वो 1 होगा और आपका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 5 √6, यानी इस तरीके से ये वैल्यू आपको सिंप्लीफाई हो जाएगी, यानी आपको भी जो वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है वो इस तरीके से करनी है। एक इस बीच में आपको एक इम्पोर्टेंट वैल्यू याद रखनी है कि जब भी हम रूट को हटाते हैं, क्या रूट को हटाते हैं, तो इस रूट को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं 2^1/2 लिख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका। सिंप्लीफाई में करना ये है, मैं बताऊंगा सिंप्लीफाई के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होता है, वो मैं अभी अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल हम एक बेसिक इंट्रो की बात कर लेते हैं, बेसिक इंट्रो में किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्क्वायर की कंडीशन जान लीजिए। स्क्वायर की कंडीशन जानने के लिए आप देखेंगे कि आपको यदि 2 लिखा है और यहाँ पर 2^1/2 है, तो एक साइड में आप अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2, क्योंकि जो रूट की पावर होती है वो 1/2 होती है। विशेष तौर से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर √2 है और यहाँ पर x है, तो इस √2 को अगर मैंने रूट को हटाऊं तो उस साइड में इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकेंड साइड जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है जो कि आपको आनी चाहिए। ओके, ये है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन है आपके, पहले देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64^1/2। ओके, तो देख लेते हैं यहां पर, देखिए 64^1/2 64^1/2 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो ये समझिए 1/2 जिसकी पावर है वो रूट है, क्या है, रूट है, देख लेते हैं। तो रूट में मैं ऐसे लिख सकता हूं 64। ओके, अब हम जानते हैं क्या कि रूट से जो बाहर वैल्यू आती हैं वो क्या आती हैं, 2 के पेयर में आती हैं। यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है यहाँ 2 है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, अगर 3 है तो अंदर से 3 का पेयर बन के बाहर निकलेगा, अगर 2 है तो यहाँ पर 2 का पेयर बन के बाहर निकलेगा, तो ये 2 हो गया, तो आपका जो आंसर आया वो 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। ओके, 2 का पेयर बना तो वो 8 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, इसका सेकंड है कि 32^1/5, ध्यान देंगे इधर 32^1/5, जब यहाँ 32^1/5 है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 32, और यहाँ जो पावर है वो 5 होगी।
अब इसका मींस ये है कि इसके जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उसके 5-5 के पेयर बन के वो बाहर निकलेगा रूट से। जब मैं इसे देख रहा हूँ तो ये 5-5 के पेयर बन के बाहर निकलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2-2 जा 4, 4-2 जा 8, 8-2 जा 16 और 16-2 जा 32, यानी कि पेयर बना एक तो आपका आंसर हुआ 2। क्या हुआ? 2। 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। अब देखेंगे, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन है आपके पास, इसे इरेज कर देता हूं। देखें, जब आपके सामने आपके पास है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे 125 की पावर 3, तो मैंने क्या किया यहां पर, इसे अंडर रूट में लिखूंगा, इसकी पावर यहां पर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3, और यहां हो जाएगा 125। तो देखें 3-3 के पेयर बन के बाहर निकलेगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा 5 × 5 × 5, तो 3 का पेयर बनना यानी एक बनेगा, तो आपका 5 आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 5 आंसर रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फिनिश कर सकते हैं। नोट कर लीजिए भाई, वीडियो को रोक कर इन क्वेश्चन को आंसर को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 9 की पावर 3/2, ये है 9 की पावर 3/2 है। इस केस में ये किस तरीके से सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। देखिए इस केस में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो तरीके से सॉल्व होगा। पहला तरीका तो ये है कि इसे इस तरीके से लिख लीजिए और इसकी पावर 1/2 कर दीजिए। ओके, जब इसे आपने 1/2 किया, जब आपने इसे 1/2 किया तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा 9 × 9 × 9। ओके, और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि अंडर रूट की पावर जो होती है वो 1/2 होती है, तो मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया है। जब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे तो देखें क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने अंडर रूट के अंदर जो 9 हैं उन्हें 3-3 के पेयर में कन्वर्ट कर लिया है। किस किस के पेयर में कर लिया है? 3/3 के में, क्योंकि 3-3 जा 9 होता है, 3-3 जा 9 होता है, 3-3 जा 9 होता है। 2-2 के पेयर बना लीजिए आप, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यानी कि आपकी जो वैल्यू निकलेंगी वो 3 निकलेंगी। कितनी? 3 बाहर निकलेंगी और आपका जो आंसर होगा वो 27 होगा। ठीक है, 3-3 जा 9, 9-3 जा 27। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5 है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 2/5 है, 32 की पावर 2/5। ओके, तो इसे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, दिख नहीं रहा है उधर, 32 की पावर 2/5। ओके, जब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और जहाँ 5 लगा है तो इसका मीन्स ये है कि 5 के पेयर बनेंगे, रूट लगेगा तो 5 होगा, और यहाँ पर होगा 32 का स्क्वायर। ओके, तो आप देखें यहाँ 5 है तो 5-5 के पेयर बनकर बाहर निकलेगा, तो मैं पहले इसे एक्सपेंड करूँगा किस में, 32 × 32। ओके, अब क्या करना है इस केस में, इसके फैक्टर कर लेने हैं, 2-2 जा 4, 4-2 जा 8, 8-2 जा 16 और 16-2 जा 32। एक तो यहाँ तक हो गया, दूसरा फिर कर लेते हैं 2, 2, 2, 2, ये दूसरा हो गया। ओके, देखें यहाँ तक, तो दो पेयर बने, जब दो पेयर बने तो 1 बाहर 2 बाहर, तो आपका आंसर हुआ 4, आपका आंसर हुआ 4। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगेन आप देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन है, अगेन आप देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको करना ये है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 1-2-5, यहाँ पर देखें थर्ड क्वेश्चन को, 1-2-5 की पावर -1/3 है। क्या है? -1/3 है। जब मैं इसे पॉजिटिव करूँगा, तो जब मैं इसे पॉजिटिव करूँगा, जब पावर को पॉजिटिव करते हैं तो इसे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो वही ये हो गया 1/25 की पावर 1/3, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? और 1 की पावर आप कोई भी लिखिएगा, 1 की पावर आप नहीं दिख रहा है क्या? चलिए तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ भाई, नहीं दिख रहा है, वहाँ से दिख नहीं रहा है,
तो आप यहाँ लिख लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। देखें क्वेश्चन है 1 to 5 की पावर -1/3। एक तो इस मार्कर में इंक नहीं चल रहा है भाई। देखें तो ये हो गया, चलिए बाद में देखेंगे इसे, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो हमें इसकी पावर को क्या करना है, 125 को होल पावर 1/3 कर लेना, पॉजिटिव करने के लिए इसे नीचे भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती है। जब इस केस में ये पावर पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा और इसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5। ओके, तो आपका जो पेयर बाहर आएगा वो होगा आपका आंसर 1/5, यही आपका आंसर रहेगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसे किस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे, ये देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखें, सबसे पहले करना ये है आपको कि पहला क्वेश्चन 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5 है, इन्हें सॉल्व कर लेना है आपको। किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। देखें यहाँ पर 2 की पावर है, इसका मतलब ये है कि मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 1/3 × इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, या आप इसे कुछ मत करिए, सिंपल एक स्टेटमेंट आपको मैं लिखा देता हूँ उससे क्वेश्चन हो जाएगा। देखें यहाँ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है a की पावर m × a की पावर n, तो यहाँ पर होता है a की पावर m+n, यानी पावर प्लस हो जाती हैं, तो बेस वही रहता है, बेस वही रहेगा, पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2 × 2/3 + 1/5, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एलसीएम यहाँ लेंगे 15, क्या रहेगा 15, तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा 3, ये आएगा, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 13/15, क्या रहेगा 13/15 आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने कि 1/3 की पावर 3 है यहाँ पर, और इसकी होल पावर 7 है। तो जब इस केस में इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 की पावर यहाँ हो जाएगा 2/1, ये आपका आंसर रहेगा, और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लिख लीजिए कोई समस्या नहीं आती है। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड का लास्ट क्वेश्चन देखें, 11 की पावर 1/2 × 11 की पावर 1/4, ये है। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब पावर को ऐड करेंगे आप, जब आप पावर को ऐड करेंगे तो आपको जो मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई है डिवाइड है भाई, यहाँ डिवाइड है, तो इसे आप ऊपर लेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 × 11 की पावर -1/4 हो जाएगा। जब आप इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ 11 की पावर 1/2 - 1/4 होगा, जब आप एलसीएम लेंगे इनका तो 11 की पावर 1/2 बचेगा, और यही आपका आंसर रहेगा। देखो इसका और इसका एलसीएम आपका 4 आने वाला है, क्या आने वाला है, 4 एलसीएम आएगा, इसे सॉल्व यहाँ कर देता हूँ, एलसीएम आएगा 4, और 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 से देंगे तो -1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/4 आएगा, सॉरी भाई यहाँ क्या आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, आप इसे कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर, देखें 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2, यहाँ होता है, इसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं √7, इसे लिख सकते हैं √8। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 56, अब 56 के फैक्टर करिए, 56 के फैक्टर होंगे 2 × 4 और 4 × 8
और 8 7 56। तो पेयर जो बनेगा वो बाहर आएगा, वो पेयर रहेगा आपका 2 और रूट में रहेगा 14। तो ये आपका आंसर रहेगा, क्लियर, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये था आज का पूरा सेशन, जो कि आपको 3 ही क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में हैं, ठीक है, जो कि मैंने पूरे कवर करा लिए हैं। आगे आपका कोई भी क्वायरी है तो मुझे दिए गए स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पर अपनी क्वायरीज भेज सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के डाउट आपके होते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर ये है, आपके सामने चल रहा है स्लाइड में स्क्रीन पर, वहाँ से मुझे कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और कि अगर आपको प्रीवियस सेशन की कोई भी वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैथ्सलॉजिया नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको प्रीवियस सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और अपनी स्टडी को बरकरार करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।